हेलो दोस्तों, मैं सुजीत कुमार एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब ट्यूटोरियल में। तो आज हम बात करेंगे करेंसी टू वर्ड, नंबर टू वर्ड के बारे में। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया 105 अमाउंट, तो 105 यहाँ पे हमने लिखा तो यहाँ पे आना चाहिए 105 ओनली, इस तरह की चीज आनी चाहिए। कैसे करेंगे? देखिए, इसके लिए एक्सेल में कोई फॉर्मूला नहीं है। पहली चीज को जान लीजिए कि आप सोचेंगे कोई फॉर्मूला एक्सेल में लगा दें, तो एक्सेल के अंदर में कोई फॉर्मूला नहीं है। बैटेक्स का फॉर्मूला अगर थाई लैंग्वेज में देता है तो ये आपका काम का नहीं है। तो कैसे करें? इसके लिए आपको वीवीए प्रोग्रामिंग का यूज करना पड़ेगा। अब आप लोग रुकिए, ऐसा चिंतित मत होइए कि आपको वीवीए नहीं आता है, कोडिंग नहीं आता है तो कैसे करेंगे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। बस आपको क्या करना है, अपना हेल्प एंड सपोर्ट को खोलना है, जिसका शॉर्टकट होता है F1। हालांकि यहाँ से भी कर सकते हैं, बट F1 पे आपको अच्छा रहेगा। F1 करते ही आपके यहाँ हेल्प एंड सपोर्ट आ जाएगा। यहाँ पे आप सिंपल सा सर्च करें नंबर टू वर्ड और यहाँ पे एंटर मारे तो यहाँ पे कन्वर्ट नंबर इन वर्ड आ गया। तो कन्वर्ट नंबर इंटू वर्ड्स, इसको आप खोलें। अब इसमें बताया हुआ है आर्टिकल में कैसे कैसे क्या क्या करना। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले ये जो फॉर्मूला आपको दिख रहा है ना, फंक्शंस स्पेल नंबर, इससे उठाइए और उठाने के बाद नीचे तक, यहाँ एन फंक्शन दिख रहा होगा, यहाँ तक कि कोड को कीजिए कॉपी। कॉपी कीजिए और फिर अपने डेवलपर टैब में जाइए और यहाँ विजुअल बेसिक पे क्लिक कीजिए। किसी के पास डेवलपर टैब नहीं होगा तो फाइल के अंदर एक्सेल ऑप्शन के अंदर ला सकता है, या फिर इसका शॉर्टकट Alt F11 जो दिख रहा है बस उसी को प्रेस कर दीजिए। प्रेस करने के बाद आपके सामने जो खुल के आएगा VBE, विजुअल बेसिक एडिटर। इसके इंसर्ट में जाना है और यहाँ मॉड्यूल्स पे क्लिक करके एक नया मॉड्यूल ऐड करके उस कोड को पेस्ट कर देना। अब कोड को पेस्ट करते ही आपको बहुत सारे जगह पर रेड दिखेगा। जी हाँ, कोड को आप देखेंगे ना तो बहुत सारे जगह पर रेड दिखेगा। और रेड दिखने का कारण क्या है? कारण यहाँ पर ये है कि जो अंडरस्कोर आपको दिख रहा है, अंडरस्कोर के बाद एंटर मारना चाहिए था, तो एंटर डला नहीं, डायरेक्ट आ गया। और यहाँ नीचे आइएगा, रेड जहाँ जहाँ दिखेगा उसको तो सही करना होगा। ये देखिए, यहाँ बीच में दो बार एंटर प्रेस हो गया, एक एंटर डिलीट कर दीजिए, सही हो जाएगा। ये लाइन को ब्रेक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो कहीं ब्रेक नहीं हुआ है, कहीं हुआ है तो दो लाइन हो गया है। बस ये आप कर दीजिएगा, अब आपका फॉर्मूला सही है। अब मेन फंक्शन जो आपका आता है स्पेल नंबर नाम से, जी हाँ स्पेल नंबर। तो अब मैं यहाँ पे इक्वल स्पेल नंबर देता हूँ और स्पेल नंबर में मैंने इसको सेलेक्ट करके एंटर मार दिया, तो $105.09। अब ये चीज तो यहाँ यूज नहीं होगी, $5.09 ये चीज तो नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ हम डॉलर को रुपीज करना चाहते हैं। अब ऐसा नहीं कि कैसे करें रुपीज, तो नीचे आइए, नीचे जब आइएगा इन्वर्टेड कॉमा में देखिए $9, तो इसको कर दीजिए ब्लैंक। $1 इसको कर दीजिए रुपीज, इन्वर्टर कॉमा वाले को कीजिएगा ऐसे नहीं, रुपीज, और डॉलर्स को कर दीजिए रुपीज। और यहाँ ये तो डॉलर के बाद हो गए सेंट, एंड नो सेंट इसको कर दीजिए ब्लैंक, क्योंकि हमें नो पैसा थोड़ी दिखाना है। और एंड 1 सेंट तो 1 पैसा, और यहाँ पे सेंट्स तो यहाँ पे पैसा। अब परफेक्टली वर्क करे, इस पे एक बार डबल क्लिक करके एंटर मारिए तो ये देखिए 105 रुपीज। अब मैं चाहता हूँ ओनली लिख के आए, रुपीज के बाद ओनली हो, तो जहां जहां हमने रुपीज लगाया है वहां पे लिख दीजिए ओनली। कई जगह पे होता है चेक वगैरह में तो ओनली आ गया। ऐसे सेंट है जहां पे सेंट्स लिखा है, पैसा लिखा है हमने, वहां पे कर दीजिए ओनली। तो यहाँ पे आपके पास डबल क्लिक कीजिएगा तो ये देखिए ओनली। अब देखिए मैं यहाँ पे 101 लिखता हूँ तो ये देखिए 1 रुपीज ओनली। अब यहाँ पे अगर 1000 कर देता हूँ
ये देखिए 1000 रुपी ज्वेलरी, अब मैं यहाँ पे 1500 करता हूँ तो 1500 ज्वेलरी। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा अमाउंट बढ़ा देता हूँ, देखिए 554,100। अब यहीं पे लाख वाला सिस्टम नहीं, जी हाँ, मतलब कि मैं यहाँ पे 5,40,236 करता हूँ तो ये देखिए 540,000, देखिए 540,236 रुपीज हो। तो ये क्योंकि ये जो कोडिंग किया गया है अमेरिकन लैंग्वेज के ऊपर किया गया है, जी हाँ। यहाँ पे देखिए 1000 है, मिलियन है, बिलियन है, ट्रिलियन है, इसमें कहीं पे लाख्स वगैरह का नहीं दिया गया। अभी अगर आपको इसके हिसाब से चाहिए होगा तो फिर हम मुझे अपने हिसाब से इसका पूरी कोडिंग करनी पड़ेगी, कि 1000 से है, 1000 के बाद 100,000 पे लाख लाना पड़ेगा, करोड़ देने पड़ेंगे, तब जाके ये परफेक्ट होगी। तो प्रोग्रामिंग को करना होगा चेंज, कंडीशंस को करना होगा चेंज, तो उस केस में हम आपको प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा, इसकी चेंज करनी पड़ेगी। तो इस वीडियो में हम चेंज नहीं करेंगे, हाँ, लेकिन आगे हम ऐसा वीडियो बनाएंगे ताकि ये आपके इंडियन करेंसी के अकॉर्डिंग चेंज हो। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मेरे साथ क्लास लेना चाहते हैं तो ये नंबर है, नोट कर लीजिए, कभी भी मुझे फ़ोन कर सकते हैं किसी प्रॉब्लम के लिए, हम आपको ज़रूर सपोर्ट करेंगे।